करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन वाली फिल्म, बेहतरीन फिल्म जिसे ये लोग बता रहे हैं, ब्रह्मास्त्र, बहुत बड़े वीएफएक्स वाली ये फिल्म, जिसे करण जौहर की तरफ से ये कहा गया कि ये फिल्म 410 करोड़ के बजट वाली फिल्म है और इस फिल्म ने अब तक 425 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, यानी कि 15 करोड़ का फायदा ही दिखा रहे हैं। लेकिन आंध्रा बॉक्स ऑफिस ने जो रिपोर्ट दी थी कुछ समय पहले, उस हिसाब से फिल्म ने अपने बजट का सिर्फ 42% ही कवर किया है, यानी कि बहुत बड़ा घाटा सामने है। और आंध्रा बॉक्स ऑफिस ने जो बजट बताया था इस फिल्म का, वो था 650 करोड़ रुपए। अब इसके बाद इस फिल्म को लेकर जो कलेक्शन वगैरह सामने आ रही थी, ऐसा कहा जा रहा था कि यार इसकी रियल कलेक्शन कभी सामने आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, तो बड़ा ही असमंजस है, अभी भी बना हुआ है। लेकिन केआरके फिर से एक्टिव हो चुके हैं और केआरके ने फिर से एक ट्वीट कर दिया है। केआरके ने ये कहा है कि इस फिल्म का बजट जो है वो लगभग 600 करोड़ के करीब है। इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन जो है वो सिर्फ 175 करोड़ रुपए का है और फिल्म ने 400 करोड़ रुपए का घाटा करवा दिया है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और करण जौहर को इस बात के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इतिहास में उन्होंने अपना नाम दर्ज करवा लिया है कि बड़े बजट वाली बहुत बड़ी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो गई है ब्रह्मास्त्र। अब जिस हिसाब से ये घाटे की बात सामने आ रही है, उस हिसाब से तो लोग यही कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 कभी नहीं आएगा। बस उसे लेकर अभी भी ये माहौल इसलिए चल रहा है कि फिल्म को थोड़ा बहुत फायदा मिल सके ओटीटी पर बेचने के लिए। अब ओटीटी पर ये कितने में बिकती है वो तो बात की बात है, लेकिन इसका पार्ट 2 आएगा इसकी उम्मीद बहुत कम लोग लगा रहे हैं। केआरके की बातों से आप कितना यकीन करते हैं आप बताइए, क्योंकि केआरके जो है वो इंडस्ट्री के भीतर तक की खबर रखते हैं और ज्यादातर खबरें वो सच ही होती है।